देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 2547 मामले, 163 मरीज हुए ठीक, अब तक 2322 मामले एक्टिव। हरियाणा में कोविड 19 के 4 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 49। सीएम मनोहर लाल ने की टेली मेडिसिन सेवा आरंभ, घर बैठे मंगवा सकेंगे दवाइयां। साथ ही राज्य में 3000 बेड के 14 कोविड 19 अस्पताल किए गए स्थापित। उन्नत भारत संगठन का समाचार पत्रों के माध्यम से कोरोना पर जागरूकता फैलाना जारी, हरियाणा में दिखा इसका असर, गाँव में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्नत भारत संगठन की मुहिम का असर, कलानौर कस्बे के बनियानी गांव में बांटा गया सैनिटाइजेशन का सामान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर नर्सों के साथ बदसलूकी करने वालों पर की जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भी होगी कानूनी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में की जाएगी लॉकडाउन तोड़ने वालों की FIR की होम डिलीवरी। देश भर में लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद, उत्तराखंड के सह संपादक शिव रतन अग्रवाल की काशीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। रुद्रपुर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 6 जमाती और भर्ती, नजीबाबाद की जमात में शामिल होकर आए थे, पुलिस ने गदरपुर से सभी को पकड़ा। रुड़की में भी गुरुवार को 173 जमातियों को लाया गया, किए गए आइसोलेट। गाजियाबाद से भी जमात के 3 नए कोरोना मामले हुए कंफर्म। Thank you.